क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2022 का 32वां मुकाबला शुरू हो चुका है। ऋषभ पंत ने टॉस जीता, जिसके चलते इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत पंजाब किंग्स की खराब रही। दोस्तों, पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में ललित यादव की गेंद पर हल्का सा एज देकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों आउट हुए। शिखर धवन 9 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए उनके ठीक बाद इस तरह से इनसाइड एज के चलते बुरी तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए कप्तान मयंक अग्रवाल, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान मयंक अग्रवाल 24 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे लैम लिविंगस्टोन। दोस्तों, लिविंगस्टोन भी आगे बढ़कर छक्का लगाने की चाह में गेंद को मिस कर बैठे। पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग आउट कर दिया इस तरह से लैम लिविंगस्टोन को, जिसके चलते सस्ते में आउट हुए लिविंगस्टोन मात्र 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद जॉनी बेस्टो भी रनों की गति को बढ़ाने के चक्कर में बड़ा शॉट खेल बैठे इस तरीके से, लेकिन गेंद गिरी सीधा मुस्तफिजुर के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो खलील अहमद की गेंद पर मुस्तफिजुर को अपनी कैच देकर 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए जीतीश शर्मा 32 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद शाहरुख खान भी खलील अहमद की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे। पीछे ऋषभ पंत ने इनकी एज लेकर कैच पकड़ ली, जिसके चलते इस मुकाबले में शाहरुख खान भी 12 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद तो मानो विकेटों का पतंग पूरी तरह से जारी रहा। दोस्तों, के बाद राहुल चहर भी इस तरह से ललित यादव की गेंद पर पोल को अपनी कैच दे बैठे 12 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए राहुल चहर भी आउट होकर रह गए। दोस्तों, के बाद रबाड़ा भी बोल्ड होकर रह गए 2 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर। अंत में आकर पंजाब किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई 115 रन पर। जी हाँ दोस्तों, पूरी ढेर हो गई पंजाब किंग्स की टीम 115 रन पर। ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी इस मुकाबले में शानदार रही, जिसके चलते मात्र 115 रन पर ही ढेर हुई पंजाब की टीम। दोस्तों, आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आज सुबह मुकाबला हुआ, जिसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 18 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है इस मुकाबले में काफी ज्यादा रोमांच आए, तो आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की कुछ ऐसी हाईलाइट जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो कप्तान केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका लक्ष्य यही था कि आज ये बड़ा टोटल बनाए मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन दोस्तों, मैदान में मजा तब आया जब हर्षल पटेल के सामने केएल राहुल आए और इस 7वें ओवर की आखिरी गेंद थी। दोस्तों, जैसे ही हर्षल पटेल ने आखिरी गेंद पीछे की ओर रखी, यानी कमर के साइड रखी, तो टच करने की चक्कर में गेंद को हल्के से खेल बैठे केएल राहुल, लेकिन गेंद लगी नहीं और जाकर गिरी सीधा दिनेश कार्तिक के दस्तानों में। अब अंपायर इसे वाइड देने की सोच रहे थे, तभी हर्षल पटेल ने अंपायर की साइड देखी कि ये क्या हो रहा है, एज लगने की आवाज आई है। तो वही अंपायर की तरफ अगर नजर डाले तो अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो ये वाइड बॉल है ना तो एज लगा है, तो आखिर हुआ क्या है मैदान पर। तभी डुबली सी मैदान पर आए और अंपायर पे बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने कहा आवाज आई है, एज लगा है, तो आप आउट दीजिए। लेकिन उसके बाद डुबली सी ने रिव्यू लेने का फैसला किया। दोस्तों, अब डिसीजन गया था थर्ड अंपायर के पास। अब ये बात देखने थी कि एज लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों, जब थर्ड अंपायर ने देखा तो बल्ले का बाहरी एज लगा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड अंपायर के नतीजे के बाद अंपायर ने अपना डिसीजन बदला और केएल राहुल को इस मुकाबले में आउट करार दिया गया। दोस्तों, इस मुकाबले में केएल राहुल 30 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए काफी सस्ते में आउट हो गए। दोस्तों, उनकी गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा हैरान हो गई केएल राहुल की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर बीच मैदान पर। दोस्तों, आरसीबी ने एक ऐसा रिव्यू लिया जिसने आरसीबी के मैच की पूरी काया बदल कर रख दी। अंत में 18 रनों से तूफानी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शानदार मुकाबला जीत लिया और ये मुकाबला बेहतरीन रहा। तो दोस्तों, आप डुबली सी की इस कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है और आप सभी को तो पता ही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच जिसने सबकी सांसें रोक ली थी। दोस्तों, आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 31 रन। जेसन होल्डर जैसा खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर था और हर्षल पटेल के पास से पहली गेंद जैसे हर्षल पटेल ने डाली तो फ्लिक करने के चक्कर में बड़ा शॉट तो खेल बैठे होल्डर, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं, जिसके चलते पहली गेंद नॉट होकर रह गई और अब जीतने के लिए मुकाबला 5 गेंदों पर 5 छक्के चाहिए थे। दोस्तों, उसकी अगली गेंद पर जेसन होल्डर ने लगाया बेहतरीन शॉट और ये गेंद गई सीधा छक्के की ओर, पर यहीं पर लखनऊ की सांसें बरकरार थी। उसकी अगली गेंद सामने की तरफ हमारी जेसन होल्डर ने जिसमें नॉट आ गया
हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का 31वां मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक था। टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में कमाल लाजवाब राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी आरसीबी की टीम। आरसीबी की शुरुआत खराब रही थी। चमीरा की इस गेंद को अनुज रावत सामने मार बैठे। सीधा गिरी कप्तान केएल राहुल की गोदी में जाकर गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में अनुज रावत 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते चमीरा की गेंद पर राहुल को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली आए थे और आते ही विराट कोहली चमीरा की शॉर्ट गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने फील्डर ने गेंद को लपक लिया, जिसके चलते आते ही विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए। 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते विराट कोहली अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद मैक्सवेल भी फ्लिप शॉट खेल बैठे कृणाल पांड्या की इस गेंद पर। गेंद पीछे जा रही थी और पीछे बाउंड्री के पास जेसन होल्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बिग शो ग्लेन मैक्सवेल 23 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद भी अंत तक बल्लेबाजी की फैफ डुप्लीसी ने और एक छोर से आरसीबी की रन की गति को कम नहीं होने दे रहे थे फैफ डुप्लीसी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। और देखते ही देखते इस मुकाबले में फैफ डुप्लीसी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि ये अर्धशतक लगाने के लिए थोड़ा गेंदें ज्यादा इस्तेमाल की फैफ डुप्लीसी ने, लेकिन उनके बाद प्रभु देसाई इस तरह से आउट हुए। होल्डर की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में सामने फील्डर के हाथ में गेंद मार बैठे। प्रभु देसाई 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके पास शहबाज अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो भी फैफ डुप्लीसी और शहबाज अहमद के बीच मैन बन के चलते इस तरह से रन आउट हो गए जेसन होल्डर के हाथों। दोस्तों इस मुकाबले में शहबाज अहमद 26 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते रन आउट हो बैठे, लेकिन उसके बाद भी अंत तक धाकड़ बल्लेबाजी की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फैफ डुप्लीसी ने और मैदान पर आ चुके थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों दिनेश कार्तिक के पास ज्यादा गेंदें नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 13 रन लगाए 8 गेंदों में। तो वहीं फैफ डुप्लीसी ने इस मुकाबले में 96 रनों की धाकड़ पारी खेली 64 गेंदों में, जिसमें से फैफ डुप्लीसी ने 2 तूफानी छक्के व 11 तूफानी चौके जड़े, जिसके चलते 181 रन लगा चुकी है आरसीबी की टीम। जी हां दोस्तों, आरसीबी ने 181 रन लगा दिए हैं इस मुकाबले में 6 विकेट के लिए। टारगेट का पीछा करते पहली विकेट क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरी। दोस्तों हेजलवुड की इस गेंद पर एच देकर बगल में खड़े मैक्सवेल को अपनी कैच दे बैठे इस तरह से क्विंटन डिकॉक और इस मुकाबले में जल्दी आउट हुए। 200 मात्र 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए क्विंटन डिकॉक अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद मनीष पांडे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी हेजलवुड की गेंद पर सामने का शॉट मारने के चक्कर में सामने खड़े हर्षल पटेल को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में मनीष पांडे 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों ये बात सबसे बड़ा झटका लगा केएल राहुल के रूप में। दोस्तों इस तरह से एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गिरी गेंद, हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया था। आरसीबी ने रिव्यू लिया, आरसीबी के रिव्यू में एज नजर आया केएल राहुल के बल्ले का, जिसके बाद अंपायर को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और कप्तान राहुल की विकेट मिली आरसीबी को। केएल राहुल 30 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते पटेल की गेंद पर कार्तिक को अपनी कैच देकर आउट हुए। उनके बाद दीपक हुड्डा भी मात्र 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते सिराज की गेंद पर आउट होकर रह गए। उनके बाद एक तरफ से कृणाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अपना अर्धशतक आज लगा ही देंगे, लेकिन जैसे मैक्सवेल ने घूमती हुई गेंद रखी इनको, कृणाल पांड्या ने सामने का शॉट खेला और गेंद गई सीधा फील्डर शहबाज अहमद के हाथों में। ऐसे में जिसको आउट किया था कृणाल पांड्या ने, उनको ही कृणाल पांड्या ने वापस से आउट किया। 42 रन पर 28 गेंदों का सामना करते मैक्सवेल ने पांड्या को आउट किया। उनके बाद आयुष बदोनी की बड़ी विकेट मिली आरसीबी को। दोस्तों इस तरह से हेजलवुड की बाहर जाती गेंद को खेल बैठे और एच लेकर कार्तिक के दस्ताने में जाकर गिरी गेंद, 13 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते बदोनी आउट हुए। उनके बाद स्टॉइनिस भी आखिरी ओवर में इस तरह से बोल्ड होकर रह गए, जहां काफी रन चाहिए थे जीतने के लिए लखनऊ की टीम को। स्टॉइनिस भी 24 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए इस मुकाबले में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद जेसन होल्डर थे आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए, 31 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। दोस्तों आखिरी ओवर में जेसन होल्डर भी अपनी विकेट गवा बैठे 16 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में आरसीबी की टीम ने 18 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 18 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स को इस तूफानी मुकाबले में हरा दिया है और अब नंबर 2 के पायदान पर पॉइंट्स टेबल में पहुंच चुकी आरसीबी की टीम। अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर के साथ रहते श्रेयस अय्यर, जिन्होंने इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन पारी खेली थी। दोस्तों इस मुकाबले में कोलकाता को जीतने के लिए 218 रन लगाने थे। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए श्रेयस अय्यर ने तूफानी अर्धशतक लगाया था और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जिता देंगे, लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स से सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी। 214 ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही मैकोई ने फेंकी श्रेयस अय्यर को, वैसे ही बगल में से निकल गई श्रेयस अय्यर की गेंद। श्रेयस अय्यर ने बल्ले को जोर से फ्लिक किया, बल्ले का हैच भी लग गया।